हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अमेजिंग। माय नेम इज स्वाति एंड इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम सो टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अनदर वीडियोस नोटिफिकेशन। सो टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट गेट रेडी विथ मी फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू एंड फॉर कैबिन क्रू ट्रेनिंग एंड ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग। एंड सो गाइज, फर्स्ट आप कोई भी हेयर स्टाइल कर लीजिए जो भी इंटरव्यूज में लगता है, लाइक अ पोनी टेल और बन बना के जाइएगा। एंड यहाँ पे मैं इसका एपलैक्मी का सन एक्सपर्ट सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, विच इज PA SPF 15 आई थिंक की कवर है। सो ठीक है, सनस्क्रीन अब सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा लगाइए क्योंकि अभी ठंड का टाइम है तो मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ और धूप इतनी निकलती भी नहीं हूँ। आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइक मॉइस्चराइजर प्राइमर। अगर आपकी जो स्किन है वो आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। ऑयली स्किन है तो आप डायरेक्ट सनस्क्रीन एंड देन प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का। मैं अपने डार्क सर्कल्स पे मोस्टली ये यूज़ कर रही हूँ जो बहुत ही कम है। और कहीं भी आपके पिंपल वगैरह हैं या उसके कोई भी एनी काइंड ऑफ स्कार्स जो आपके फेस पे है और जो बहुत हल्के हैं, आप ये वाले कलर चाहे कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मेरे स्कार वगैरह थे मैंने वहाँ पे ही यूज़ कर लिया है। मैं इसे फिंगर से ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आफ्टर दैट आप अपना, मैं यहाँ पे माई ग्लैम का पोस्ट HD फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ड्राई फाउंडेशन यूज़ करें, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप लिक्विड फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे, मेरी जो स्किन है वो ऑयली स्किन है, मिक्स स्किन है, तो यहाँ पे मैं स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जो माई ग्लैम का है और मेरी स्किन टोन से मैच करता है और मुझे बहुत ही अच्छे से सूट करता है। ग्रूमिंग की बहुत सी इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। लाइक लड़कियाँ मेकअप तो कर लेती हैं लेकिन उनकी बेस ही नहीं होता, लाइक वो अच्छे से अपने बेस कवर नहीं करती हैं, अपने फाउंडेशन वगैरह चेक नहीं करती हैं और जो अपने अकॉर्डिंग का, जैसे कि आप मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए और सनस्क्रीन कब लगानी चाहिए, कैसे लगाना, प्राइमर कौन सा लगाना चाहिए, चीज़ को ध्यान रखना चाहिए अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, आपकी सॉरी आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। सो मैंने यहाँ पे अपना फाउंडेशन लगा लिया है, मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और एक जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है कि वो कहती है कि हमारा मेकअप जो है टैकी हो जाता है एट टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो आप इतना बहुत, मतलब लड़कियाँ कुछ होती हैं जो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ कर लेती हैं, तो आप इतना फाउंडेशन मत यूज़ कीजिए जिससे वो केकी लगे। बिल्कुल लाइट मेकअप लगाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि गलती मैंने भी बहुत स्टार्टिंग में गलतियाँ की, मैं भी बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ कर लेती थी जिससे मेरा मेकअप भी केकी हो जाता था। इफ़ यू वांट कि आपका मेकअप केकी ना लगे, आप अजीब ना लगे वाइल इंटरव्यू, देन यू कांट यूज़ दैट मच फाउंडेशन, शुड नॉट यूज़ दैट। सो मैंने अच्छे से अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा नहीं लगाया है, बिल्कुल सिंपल मेकअप कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक जो बहुत ज़्यादा ही सही लगे आपके इंटरव्यू के टाइम पे। अब इसके ऊपर आप क्या अपना वो लगा सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे अपना जो कंसीलर है, लाइक जो मेरे फाउंडेशन कलर से थोड़ा लाइट है, दिस वन आई एम यूजिंग दैट। मैं यहाँ पे आपको कंटूरिंग यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे कंटूरिंग से ऐसा मुझे फील होता है कि मेरा फेस जो है ज़्यादा एक शेप नहीं दे रहा। मैं कंटूरिंग अपने इंटरव्यू टाइम में नहीं यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता है तो मैं कंटूरिंग करती हूँ, वरना मैं कंटूरिंग नहीं करती, मैं उसे स्किप कर देती हूँ। सो मेरा जो बेसिक मेकअप होता है, लाइक फाउंडेशन समथिंग, वो मैंने कर लिया, हम करेंगे आई मेकअप।
लगा, आई सजेस्ट यू लाइक मैं यहाँ पे मैं अपने फिंगर्स का यूज़ करती हूँ ब्रश से ज़्यादा। सो सबसे पहले मैं ये ब्राउन आई शेडो जो है वो लगाऊंगी। उसके बाद इस पर मुझे शेड देने के लिए अगर आप किसी भी कलर का पिंक कलर का आप शर्ट पहने हैं, जो भी कलर का शर्ट पहने हैं आप लोग फॉर्मल्स में, तो मेक श्योर कि आप उसी कलर के आई शेडो यूज़ करें आपके आंखों पर, वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे पिंक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो पिंक कलर का जो शर्ट है लाइट पिंक, वो मेरे पे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं ज़्यादातर वही इंटरव्यूज़ में पहन के जाती थी और ट्रेनिंग में भी मैं वही पहन के जाती हूँ। आई डोंट थिंक सो कि फ़ोन में इतना अच्छा दिख रहा है नहीं, बट मेरे में बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। ओके सो मेरा आई शेडो का काम हो गया। नाउ नेक्स्ट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई लाइनर भी फोन से देख के लगाएगा। मुझे नहीं समझ आता कि जो इन्फ्लुएंसर होती हैं वो फोन में देख के कैसे मेकअप कर लेती हैं, क्योंकि मेरे बस के फोन में देख के मेकअप तो बिल्कुल नहीं है। आप आई लाइनर अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, मैं पतला लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा सिंपल सा छोटू सा आई मेकअप का जो मैंने आपको दिखाया है वीडियो। जो नेक्स्ट अगर इसके बाद आप लोग अपनी प्यारी प्यारी पलकों पे आपका नमस्कार लगेगा। एक्चुअली ना पता नहीं आप लोगों के साथ होता है या नहीं, बट स्टिल जब मैं मेकअप करती हूँ मैं अपने सारे सामान इधर उधर खो देती हूँ। यहाँ पे मेरा जो है मस्कारा भी लग चुका है। आई मेकअप इंपॉर्टेंट होता है, आई मेकअप जो है वो टाइम पे हो चुका है। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि मैं पिंक कलर का पहन के जा रही हूँ, पिंक शर्ट मतलब पहनती हूँ, अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही, आज मेरा ऑफ है। सो ये रहा भाई मेरा ब्लश, लिपस्टिक से अच्छा ब्लश क्या हो सकता है। ये मेरा फर्स्ट गेट रेडी विद मी है जो मैं आज बना रही हूँ। मैं हमेशा सोचती थी मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे हो पाएगा, बट स्टिल आज मैंने कर ही दिखाया, आज मैंने बना ही लिया। इतना प्रिटी मेकअप तो डेली भी नहीं होता आज हो रहा है। तो नाउ द मेरा जो बेस है मेकअप का वो हो चुका है पूरा। मैं ज़्यादा कहते हैं ब्रश नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है, बहुत हैवी ब्रश करके लगाती हूँ जो नहीं अच्छा लगता। ये हो गया हमारा मेकअप डन, कोई सी चीज़ें जो बच रही हैं अब हम इस पर लगाएंगे हाइलाइटर। जहाँ भी आपको नीट लगे आप वहाँ लगाइए, मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। और अगर आपकी जो फेस जो आपका स्किन टाइप है वो अगर आपका ऑयल, सो अब आपकी जो स्किन टाइप है वो मैटर करता है कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे लूज पाउडर लगाएंगे। अगर आपके जो स्किन टाइप है वो आपका ऑयली है तो मेक श्योर कि आप लूज़ पाउडर लगाएं। अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं जो आपका लुक और अच्छा देगा। मैंने अभी कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाया है, ना लूज़ पाउडर लगाया है क्योंकि अभी नीड नहीं लगी है मुझे। तो आप इसके ऊपर लूज़ पाउडर लगा सकते हैं लाइक आफ्टर द यूजिंग कंसीलर एंड आफ्टर यूजिंग अ फाउंडेशन। सो दिस इज़ जस्ट, एक बार आपको अपना पूरा मेकअप दिखा देती हूँ, जस्ट वेट।